खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा सदस्यता अभियान पर फोकस कर रही है। इसके तहत पिछले 20 सालों से विभिन्न दलों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं से संपर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। इसमें पंचायत विधायक से लेकर सांसद के चुनाव लड़ चुके नेताओं के नाम शामिल हैं। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में 75% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्टी ने यूं तो कई योजनाएं बनाई हैं, साथ ही विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुके नेताओं पर भी भाजपा की नजर है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन का विस्तार भी कर रही है। हमारे दल में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है और हमारे लोकसभा स्तर के कार्यालय खुलने प्रारंभ हो गए हैं। हमने विभिन्न मोर्चों के सम्मेलन करे हैं, जिला स्तर पर बैठकें किए हैं, घर चलो अभियान के कार्यक्रम समस्त जिला स्तर पर हो रहे हैं। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती रहती है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनको मुबारक हो, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जनता के मन में कहीं भी कांग्रेस के प्रति कोई भाव नहीं है और कांग्रेस यहाँ बुरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि उनका जो प्रदेश का नेतृत्व है वो बिखरा हुआ है, वो संगठित नहीं है और न ही उनके पास कोई कार्यक्रम है, न ही उनके पास कोई रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना का उन्होंने कोई कार्य किया है। इसलिए जनता उनको नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो 5 लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारी बहुमतों से जीतेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें।